आपके साथ। आप लोग वोट देंगे इस बार? जोर से बोलिए, वोट नहीं। लेकिन बूथ वहाँ पर बहुत दूर है, 25% भी मतदान वहाँ मतदान नहीं होता है, महिला नहीं जाती, बूढ़ा आदमी नहीं जाता। वो आश्वासन मिला था चुनाव से पहले, जिला से भी मिला आश्वासन, चुनाव आयोग की तरफ से भी आश्वासन मिला कि वो विधानसभा के टाइम में जो है देखा जा किया जाएगा। तो हम लोग तो बहिष्कार करेंगे, इसी बात। वोट डालने गए हैं आज तक आप? कहे ना गए हैं। कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है। कितना उम्र है आपके? कम से कम 80 से कम है। पंचायत बहुत दूरी है, हम वोट गिराने के लिए नहीं जाते हैं। अभी दूरी है तो नहीं जाएंगे, अभी भी अगर यहाँ गिरेगा तो गिरा देंगे, यही हम लोग को मांग है। वोट यहाँ पर आता है तो वोट गिरेबा, नहीं आता तो वोट हमारा आर नहीं जब गिर। हमारा जाए छे दूर गाड़ी के भाड़ा दे के अपना से जाए छे, नहीं है गाड़ी भाड़ा तो भूल के जाए छे। तो हम बाल बच्चा भूखल प्यासल घर में टेवा बच्चा अपना ओत भूखल प्यासल रौदा में से जाए छे। दूर है जाए में नहीं जा आबे छे, वह खातिर कहे छे लोग में बाल बच्चा बढ़िया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का चुनावी यात्रा एसजे न्यूज़ का पहुंच चुका है बनमनखी विधानसभा क्षेत्र। आज इस क्षेत्र में आए हैं यहां के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। जो इस क्षेत्र में सबसे अहम चीज़ दिखा है वो ये है कि यहां के लोग अपने मत का बहिष्कार करने वाले हैं। वो कौन लोग हैं? आपने सुना होगा, रोड नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, या फिर सरकार के दावे अगर पूरे नहीं होते हैं तो उस आधार पर वोट का बहिष्कार होता है, विकास नहीं होने पर वोट का बहिष्कार होता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि वोट का बहिष्कार सिर्फ इसलिए हो क्योंकि मतदान केंद्र को घर पर ही बुलाया जाए? जी हाँ, मतदान केंद्र को अपने पास बुलाने की एक जिद पिछले 12 सालों से इन गांव वालों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और वो कह रहे हैं कि अगर उनका मतदान केंद्र उनके बीच में नहीं रहा तो वो अपने मत का बहिष्कार करेंगे। हम पहुंचे हैं बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के पिपरा पंचायत में और वहां का गांव बिशनपुर, जहां तकरीबन 700 मतदाता है। इसी सड़क से वो गांव घुसता है जहां हम आपको लिए चलेंगे, वहां के मतदाताओं की बातों को सुनाएंगे। उनका कहना है कि उनका मतदान केंद्र जो है उनके गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है, जहां जाने में इन्हें खासी परेशानी होती है, ख़ास तौर पर बूढ़े लोगों को, महिलाओं को। वो लोग अपना मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ा पाते हैं, महज 20 से 25% ऐसे लोग हैं जो अपने मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि उनका ये चुनाव में मत का प्रयोग हो। लगातार 12 सालों से वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके मतदान केंद्र को यहाँ पर बुला लिया जाए। आप देखिए इस पूरे खबर में, एसडीएन न्यूज़ के खास एक्सक्लूसिव खबर में, इन गांव वालों की समस्या और इस मतदान के बहिष्कार का कारण। मतदान केंद्र गांव से करीब लाने के लिए ग्रामीणों ने आवाज उठाई है। बूथ नहीं तो वोट नहीं का नारा भी जमकर गूंज रहा है वादियों में। पूर्णिया के बनमनखी विधानसभा अंतर्गत पिपरा पंचायत के बिशनपुर गांव के 700 मतदाताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन ग्रामीणों का आरोप है कि इनका मतदान केंद्र गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां महिलाएं व बुजुर्ग नहीं पहुंच पाते हैं और अपने मतदान के अधिकार से वो वंचित रह जाते हैं। गाँव वालों की मांग है कि उनका मतदान केंद्र संख्या 34 को अगर उनके गाँव के विद्यालय में ला दिया जाए तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। वर्ष 2008 में ही बिशनपुर गांव में सरकारी विद्यालय बना था, जिसमें मतदान केंद्र बनाए जाने की गांव वाले मांग कर रहे हैं। इस मामले में कार्रवाई के आदेश भी आए, मगर काम ठंडे बस्ते में रख दिया गया। गांव वाले साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर इस चुनाव भी उनका मतदान केंद्र नहीं बदला तो वो मतदान का बहिष्कार करेंगे। विरोध जताते हुए तत्कालीन SDO और BDO पर नाराजगी जताई और उनका पुतला भी दहन किया। लेकिन बूथ वहाँ बहुत दूर है,
25% भी मतदान वहाँ मतदान नहीं होता है, महिला नहीं जाती, बूढ़ा आदमी नहीं जाता है। यही तो शुरू से हम लोग आग्रह किए, मतलब चुनाव आयोग से, जिला पदाधिकारी से, किसी डिमान हम लोग कर दिया जाए। क्या इसमें परेशानी है समझ में नहीं आ रहा है। कितनी दूर है बूथ यहाँ? 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और नजदीकी स्कूल कोई यहाँ? नजदीकी यही बिशनपुर बहादुरपुरा सिंह विद्यालय सपोर्ट वाला है। ये आपके गांव से कितनी दूर पर है? ये तो गांव में ही, गांव में ही, गांव में। फिर भी यहां पर बूथ नहीं हो रहा है? फिर भी यहां बूथ नहीं। अच्छा, आप लोग कागजी कार्रवाई किए हैं तो कुछ मांग आप लोगों की पूरी हुई है कि नहीं? कोई मांग पूरी नहीं, हालांकि हमको आश्वासन मिला था चुनाव से पहले, जिला से भी मिला आश्वासन, चुनाव आयोग की तरफ से भी आश्वासन मिला कि वो विधानसभा के टाइम में जो है देखा जा किया जाएगा। SDO BDO तो पूरा करके गेबे किया, रात में आगे इंक्वायरी करके मतलब 1 किलोमीटर घटा के भेजी। इसके लिए हम लोग चुनाव आयोग दिल्ली, चुनाव आयोग पटना, जिला पदाधिकारी पूर्णिया, सबको अप्लीकेशन दिए हुए हैं। श्रीमान इस पर ध्यान दिया जाए, क्या हमारा गाँव या मतलब बूथ अभी कहीं चला नहीं गया है। SDO लिख के दे दिया कि रोड बन गई, किलोमीटर घट गया। भाई कच्ची था, पक्की हो गया तो किलोमीटर घट जाएगा, ऐसा है कोई रूल में? तो आप लोग अगर बूथ यहाँ पर नहीं आएगा तो हम लोग तो बहिष्कार करेंगे। हम लोग सीधी बात, वोट डालने गए हैं आज तक आप? कहे ना गए हैं? कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है। बहुत दूर है। कितना उम्र है आपके? हमारे उम्र कम से कम 80 से कम है। 80 साल आज तक वोट नहीं डाले हैं? तो बूथ मांग, बूथ को यहाँ लाने की मांग कर रहे हैं आप लोग? इन लोग में रहते आते हैं। पिपरा पंचायत बहुत दूरी है, हम वोट गिराने के लिए नहीं जाते हैं। अभी दूरी है तो नहीं जाएंगे, अभी भी अगर यहाँ गिरेगा वोट गिरा देंगे। अभी हम लोग को मांग है वोट यहाँ पर आता है तो वोट गिरेबा, न आता तो वोट हमारे का नहीं जेबे गिरबे। बाल बच्चा हमारे का छोट बच्चा छै, छोट छै त जेबे वोट गिरबा। न घर न है, चल न गाड़ी न घोड़ा कुछ न। बाल बच्चा कनी कनी सब बाल बच्चा वोट न आता तो हमरा का वोट न गिरेबे, न गिरते वोट हमारे का नहीं जेबे। कल बिया चल जा के भोर न बैठो, भोर न चल न लगा है भिमसरे चला सांझ के आबो। अच्छा बताए कितना दूर है यहां से? 4 किलोमीटर छै। तो आप लोग कभी वोट डाले हैं कि नहीं? वोट डाले हैं, भूल कर जाते हैं, भूल कर आते हैं। अबरी मौज नहीं जे, अबरी ना तो वोट डाले जे। आप लोग जो वोट देने के लिए जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? हमरा आर के जाय छियै, एते दूर गाड़ी के भाड़ा दे के अपना से जाय छियै, नहि जे गाड़ी के भाड़ा त भूल के जाय छियै। त हम बाल बच्चा भूखल प्यासल घर में टोआ बच्चा अपना ओते भूखल प्यासल रौदा में सिजैत रहै छै। चानी हो रही, क्यों आप लोग इतनी भीड़? दूर छै जाय में नहि जाय आबै छै, तो वहाँ जाते हैं आप लोग वोट देने के लिए? परेशानी होती है, पूरा दिन खत्म हो जाता है। आइए इस गांव के कुछ बुजुर्ग मतदाता हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किस तरह की समस्याएं आती है, खास तौर पर जब उनका मतदान केंद्र 3 किलोमीटर दूर हो। चाचा बताएं, आप जो है यहाँ पर कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? कहियो नहीं डाल लिए। कभी नहीं डाले हैं? काहे नहीं डाले हैं वोट? वोट वहाँ पिपरा लिया जाता है। तो वहाँ नहीं जा पाते हैं आप? वो कहना जाएगा, होते परेशानी है? हाँ परेशानी है, यहाँ वोट यहाँ पे गिराइएगा वोट। यहाँ पर बूथ नहीं बना तो फिर क्या कीजिएगा? आजीवन वोट नहीं डालिएगा? अगर यहाँ पे बूथ नहीं बना तो वोट नहीं डालिएगा? ना डालिएगा, बिल्कुल उतना दूर जाकर क्यों डालेंगे? चाचा आप बताएं। हम लोग यहाँ बूथ कहते हैं कि बना दे, बना दे, बूढ़ा आदमी बुजुर्ग का जा नहीं सकता है तो नहीं यहाँ बनेगा तो वहाँ नहीं जाएंगे वोट लगाने के लिए। यही बात, हमको कोनो गाड़ी नहीं है, कोनो सवारी नहीं है, कैसे जाएंगे? बिल्कुल समस्या है काफी। चाची आप बताएं। हम लोग नहीं जा पाते हैं, 3 किलोमीटर। कभी वोट डाले हैं कि नहीं? कभी नहीं डाले हैं। कितना उम्र हो गया आपका? देख लीजिए, आपका उम्र कितना हो गया होगा? लगभग 80-70 के करीब ना। तो कुछ ऐसे मतदाता हैं यहाँ जिन्होंने आज तक अपना वोट नहीं डाला है और इनकी मांग है कि जब तक यहाँ मतदान केंद्र नहीं होगा ये अपने मत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है मत का अधिकार, लेकिन ये अपने अधिकार से अब तक वंचित हैं।
इस आजाद भारत में 1947 के बाद शायद जो आजादी है इन लोगों की उम्र में ही आई होगी, लेकिन तब से लेके अब तक इन्होंने आज तक मतदान नहीं किया है। कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि इनका मतदान केंद्र यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, जहां तक जाना पैदल इनके लिए मुनासिब नहीं है, खासतौर पर इस उम्र में। ऐसे में अपने जिंदगी के जो आखिरी पड़ाव को ये लोग जी रहे हैं, इस वक्त तक इनकी ये उम्मीद है कि अगर इसी स्कूल के बिशनपुर विद्यालय में इनका प्राथमिक केंद्र बन जाता है मतदान का, तो निश्चित ही अपने लोकतंत्र के पहले बार मतदान करने के भागीदार जरूर बनेंगे। फिलहाल चुनावी यात्रा में हम आपको लेकर आए थे बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के पिपरा पंचायत स्थित इस बिशनपुर गांव में, जहां के मतदाताओं की जो मांग है वो साफ तौर पर है। एक बार और स्पष्ट कर दें आप लोगों को कि इनका मतदान केंद्र यहां से 3 किलोमीटर दूर है, जबकि इसी गांव में वर्ष 2008 में हमारे बाई साइड बना हुआ विद्यालय बना था। तब से ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इनके बूथ को वहां से लाकर यहां सिर्फ शिफ्ट कर दिया जाए। सारी सुविधाएं यहां पर है आम मतदान केंद्र में जैसी रहती है। एक और अहम चीज वो भी आप लोगों को स्पष्ट कर देते हैं कि उस बूथ में जितने भी मतदाता हैं वो यही हैं, वहां अन्य और कहीं के नहीं है। बूथ संख्या 34 है। अगर वो बूथ उठकर यहां आ जाता है तो निश्चित तौर पर 100% यहां मतदान की संख्या जो है वो होगी। और जो महिलाएं हैं इस गांव की, वो भी आज तक अपने मत का प्रयोग इक्का दुक्का ही कर पाती हैं, नहीं कर पाती, क्योंकि अपने बच्चों को घर को छोड़कर नहीं जा सकती हैं। ऐसे में प्रशासन को, जिला पदाधिकारी को और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस बात की जरूर एक बार सूद लेनी चाहिए कि लंबे समय से अटका हुआ ये कार्रवाई इस बार पूरी कर दें, ताकि ये लोग अपने मतदान का प्रयोग कर सके। चुनावी यात्रा में हम इस पड़ाव से आप लोगों से विदा लेते हैं। अपने सहयोगी तहजीब के साथ में तहसीन अली, एसडीएन न्यूज।